वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बहुत झटपट बनने वाले ज़बरदस्त से बच्चों को बड़ों को पसंद आने वाले पिनव्हील सैंडविच बनाते हैं, वो भी तोतियास के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। सबसे पहले तो हम अपने बोल में ये देखें, मैं ये वाली फिलाडेल्फिया क्रीम चीज यूज़ कर रही हूँ। आपको अगर ये मिलती है तो सही है, वरना कोई भी डिज़र्ट बनाने वाली, वो जो चीज़ केक बनाने वाली चीज़ होती है डिज़र्ट बनाने वाली, वो आप यूज़ करें। तो चलें अब हम इसकी ग्रैंड ओपनिंग करते हैं। ये रूम टेम्परेचर है, फ्रिज से हमने निकाले हुए, उसको एक दो घंटे हो गए। चलो ये तो हो गया, अब हम इसको खोल लेते हैं। देखा रूम टेम्परेचर है तो बड़ी नरम नरम सी है। इसको हम डाल देते हैं अपने बोल में। अब उसमें हम डालेंगे ऑलिव्स, जैतून, ये तकरीबन हम ले लेंगे 3-4 टेबलस्पून के आसपास। ऑलिव्स जो है वो हेल्दी भी बहुत होता है और गुड वेजिटेबल्स में काउंट होता है, तो अगर आप चाहें तो आप दूसरे भी कोई वेज ले सकते हैं। चलें अब हम लेंगे रोस्टेड बेल पेपर्स, ये रोस्ट की भी है, आप चाहें तो आप घर में रोस्ट कर लें। ये ले लेते हैं इसकी जैसे तकरीबन एक पूरी बड़ी बेल पेपर ले लेते हैं। अच्छा, अगर आपके पास रोस्टेड बेल पेपर्स नहीं है तो बेसिकली वैसे बैंगन का भरता नहीं बनाते हैं, बैंगन के भरते की तरह चूल्हे पे हमें उसको सेक लेना है, बस वो जब सिक जाए तो उसको चॉप कर देना है छोटा छोटा करके, तो ये पानी में हमें रेडीमेड मिलती है। अच्छा देखिए, इसमें से जो एक्सेस लिक्विड निकला है उसको हम थोड़ा सा पेपर टॉवल से ड्राई कर लेंगे, क्योंकि हमें लिक्विड नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो लिक्विड आ रहा था उसको हमने पोंछ दिया है। चले ये हो गया, अब हम इसको छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। ये बच्चों के लिए लंच के लिए भी बहुत अच्छा है, पिकनिक वगैरह पे जा रहे हो उसके लिए बहुत अच्छा है, पार्टीज के लिए बहुत ज़बरदस्त लगता है, देखने में भी खाने में भी, बच्चों और बड़ों सबको बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात ये कि बना हुआ फ्रिज में रखा हुआ है आगे पीछे और हम इसको बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया, अब हम अपने ऑलिव्स को थोड़ा छोटा छोटा कर लेंगे। हम ये वेजी बना रहे हैं, आप चाहें तो इसमें चिकन भी श्रेड करके डाल सकते हैं, बस ये हो गया हमारे, देखें छोटे छोटे एकदम बारीक बारीक से, ये अच्छे से हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको साइड में करते हैं और हमारे बोल को करीब करते हैं, और ये क्रीम चीज़ देखें सॉफ्ट होके कितनी मज़ेदार हो गई है, ज़रा भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है। इसमें अब हम अपनी वेज डाल देंगे। चलें अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इस कदर अच्छी खुशबू आ रही है रोस्टेड बेल पेपर्स की, और अब हम जो है ये मिक्स कर लिया है और बनाना शुरू करते हैं झटपट। यहाँ हम कटिंग बोर्ड पे अपनी तौतिया रखेंगे, अब इसको हम स्प्रेड करेंगे। ये एजेस में तक नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा बचा देंगे, क्योंकि जब हम रोल करेंगे ना तो वो वहाँ तक आ ही जाएगा। थोड़ा सा और ले लेंगे, जितनी ज़रूरत है इतना ले लेंगे, और फिर किनारों को थोड़ा थोड़ा सब जगह छोड़ देंगे। बस ये देखें कितना सिंपल है, अब हम इसको रोल कर लेंगे। ये देखें टाइट करेंगे शुरू से ही और फिर उसको फोल्ड करते जाएंगे। ये देखें आ रहा है ना लिक्विड हमारा, तो ये इस तरह एंड तक आ जाएगा। ये हो गया हमारा, चले जोई का तो हो गया, वो मिर्चें इतना तो नहीं खाएगी। अब हम इसको अपने लिए थोड़ा सा चटपटा बनाते हैं, तो वो इस तरह से बनाते हैं कि हम बोल वापस ले लेते हैं और इसमें कुछ स्पाइसेस डालते हैं, जो कि कुछ यूं है, 1 टीस्पून ओरिगनो, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें,
एक टीस्पून सूखा धनिया, या आप हरा धनिया भी काट के डाल सकते हैं, ये ड्राई है। एक टीस्पून गार्लिक पाउडर, आप चाहें तो गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं, और एक टीस्पून काली मिर्च। ये हमारे लिए, बड़ों के लिए, थोड़ा चटपटा बनाने के लिए। ये चला गया और इसी में हम डाल देंगे एक टीस्पून किसी भी किस्म का, कोई भी हमें जो हॉट सॉस पसंद है वो, मेरा सारा चाय। चले अब इसको मिला लेते हैं अच्छे से। तो है ना मज़ेदार, पहले बच्चों के लिए निकल गया और अब हम अपना बना लेंगे चटपटा। अगर चाहें तो सेम ही रख लें, बच्चों में चिकन डालना हो, हम में ना डालना हो, इसमें बहुत वेरिएशन हम खुद भी कर सकते हैं। तो चले अगेन हम एक तौतिया लेंगे और उस पर ये स्प्रेड करेंगे, किनारे छोड़ देंगे। अब इसको हम रैप करना शुरू करेंगे, टाइट शुरू करेंगे, वापस फोल्ड करने लगेंगे। चले जोई वाला अब हम यहाँ सेपरेट कर लेते हैं और ये हमारे यहाँ हम रखना शुरू करते हैं। सेम इसी तरह और बना लेंगे। चले ये हो गया, अब इसको भी रोल करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइट करेंगे और फिर फोल्ड करते जाएंगे। देखा कैसे झटपट से बन गए। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि ये अभी भी कट सकते हैं, और अगर आपको जैसे कल या परसों इस तरह से पार्टी के लिए रखना है या फिर आराम से खाना है, तब आप सिरान रैप में इसको रैप करके रखें टाइट, और उसको क्या कहते हैं फ्रिज में रख दें, फिर काटेंगे तो इतना ज़बरदस्त कटेगा। तो एक सिरान रैप लेते हैं हम और उसको फोल्ड कर देते हैं इसमें। बस तो जिस तरह से रोल बनाया था इसी तरह से हम उसको रोल कर लेंगे। और अगर आपको सिरान रैप नहीं है और यूज़ नहीं करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको इकट्ठे सबको जिपलॉक बैग में रख दें फ्रिज में और फिर निकाल के काटें। जोई का तो हो गया, स्कूल से आएगी तो खाएगी, अब हम अपने काटते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डायगनली काटेंगे। डायगनली काटने से खूबसूरत ज़्यादा लगेगा। तो ये पहला पीस तो हम ऐसे रख देंगे नीचे छुपा के, जो हमें नहीं दिखाना हो, और फिर ये वाला हम डायगनली काट के और फिर दिखाएंगे। देखा कैसा झटपट सा बन गया, मैं तो भाई वेट नहीं कर सक रही। चलो ट्राई करती हूँ। इतना क्रीमी और फ्लेवरफुल है, एडिक्टिंग टाइप का, जैसे माउथ में सिल्की सिल्की कोई चीज़ चली गई हो। बहुत ही गुड है बर्थडे पार्टीज के लिए भी, फिंगर फ्रूट पार्टी के लिए भी, बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए भी। अगर आपने मेरी वो तौतियास की जो वीडियो मैंने बनाई थी ज़बरदस्त किस्म की, वो नहीं देखी हो तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ। मैंने कहा था ना फ्रिज में रखते हैं, उससे बहुत सारी रेसिपीज़ बनाएंगे, तो ये इसमें से ये एक है। सिंपल, फास्ट एंड ईजी और यमी। अब फ्रिज में रखी भी होगी, फिक्र ही नहीं है, मज़े करें। बल्कि फ्रीज़र भी में भी रख सकते हैं, और फिर बाहर फ्रिज में रखें, जब डिफ्रोस हो जाए तो बस इसको इसी तरह स्लाइस करें और खाएं, मज़े करें। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी सिंपल ज़बरदस्त फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।